गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वो निश्चित रूप से हमारे नीतियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने कार्य किया है उसको एक प्रकार से जनता ने अपना समर्थन दिया है। गुजरात में 1989 से लगभग हमारा शासन है। इतने साल शासन होने के बाद में भी लोगों ने लगातार ये जो विश्वास दिया है ये निश्चित रूप में गुजरात की सरकार का कार्य समाधान कारक है, इस बात को पुष्टि देता है। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, वो अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को गवा दिया है और गुजरात में भी उनके पार्टी की सत्ता नहीं आ सकी है। मुझे लगता है कि बहुत बार बहुत ही गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में, हमारे नेतृत्व के बारे में काफ़ी अपप्रचार किया गया। उसके बावजूद भी जनता ने जो विश्वास दिया है ये हमारी नीतियों को मजबूत करने वाला है और आगे भी विकास की राजनीति जो है वो जातिवाद की राजनीति पर विजय हुई है। गुजरात में OBC, पाटीदार, दलित, इन सब लोगों को जातीयवाद का आधार लेकर इसका जितना कुछ उपयोग किया जातिवाद का कर सकते हैं उतना करने की कांग्रेस पार्टी ने दुर्भाग्यवश कोशिश की, पर जातीयवाद की राजनीति को सफलता मिली नहीं है। लोगों ने फिर से एक बार विकास के राजनीति को सपोर्ट किया है और बड़े प्रमाण पर हमको लोगों ने समर्थन किया है सभी सेक्शन से, और वो जाति के ऊपर उठकर समर्थन किया है। मुझे लगता है ये विकास की राजनीति की भी जीत है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और अध्यक्ष अमित शाह जी का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, और गुजरात के भी हमारे अध्यक्ष और वहां के मुख्यमंत्री, और हिमाचल प्रदेश के जीत के लिए भी हमारे सभी प्रमुख नेताओं का अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं।